ओके अंतरा भाग दो पाठ एक देवसेना का गीत। जयशंकर प्रसाद जी का ये चैप्टर है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए कहती है, गीत गाती है। हूनों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है, लेकिन उनकी बहन देवसेना किसी तरह बचकर निकल जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह करेगा, लेकिन स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। देखिए कविता का पहला पैराग्राफ। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुगरियों की भीख लुटाई। छल छल थे सांध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्भता अनंत अंगड़ाई। देखिए वेदना मीन्स पीड़ा, विदाई युदा होने की अवस्था, संचित मैंने एकत्रित करना, श्रमकण है परिश्रम की बूंदे, निर्भता खामोशी। देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा वहम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। मानो सांध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही है। ऐसा लगता है मानो उसकी जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई आशा है तो साथ मात्र केवल उसका अकेलापन। विशेष इस पूरे पद्यांश में देवसेना के जीवन संघर्षों का संजीव चित्रण हुआ है। खड़ी बोली है, मुक्त छंद की रचना है, करुण रस है। मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। निर्भता में मानवीकरण किया गया है। सेकंड पैराग्राफ। श्रमित सवन की मधुमाया में, गहन विपन की तरुच्छाया में, पथिक अनिधि श्रुति में किसने ये विवाह की तान उठाई। लगी सृष्टा दीर्घ सी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, तूने खोदी सकल कमाई। श्रमित परिश्रम करके थका हुआ व्यक्ति, गहन मैंने घने, विपिन में जंगल, तरु में वृक्ष, पथिक में मुसाफिर यात्री, उनिधि मैंने उंगती हुई, श्रुति मैंने सुनने की क्रिया, विहाग मैंने विरह का गीत, स्त्रिष्णा मैंने प्यासी, और दीष्ट में दृष्टि। व्याख्या। देवसेना कहती है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कोई पथिक थक कर वन में पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उनिधि दशा में किसी मधुर राग की तान सुनाई पड़ गया है। अब तो उसका जीवन काल भी अलसाया हुआ है, इस में विहाग राग की तान भी कोई प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ है। भाव यह है कि देवसेना जीवन भर संघर्ष करती रही, फिर भी उसके हाथ में निराशा ही हाथ लगी। यौवन अवस्था में सबकी तृष्णा भरी आंखें अर्थात प्यासी नजरें उस पर लगी रहती थी, वह स्वयं उसे बचाए फिरती थी। इस प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी गवा दी है, मैं उसे बचा नहीं पाई। तीसरा अंश। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चला आ रहा है अपने रथ पर। मैंने निज दुर्बल पदवल पर उसे हारी होड़ लगाई, लुटा लो यह अपनी थाती,
मेरी करुणा हाहा खाती। विषम ना संभालेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। व्याख्या, देवसेना कहती है कि अब तो उसके जीवन रूपी रथ पर प्रलय सवार हो गया है। यह प्रलय उसे अपने रास्ते पर ले जा रहा है। पता नहीं कहाँ पहुंचकर उसका जीवन डूब जाए अर्थात समाप्त हो जाए। वह अपनी दुर्बलताओं को जानती है, कमजोरियों, दुर्बलता मीन्स कमजोरियों को जानती है। उसे यह भी पता है कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय से प्रतिस्पर्धा कर रही है। देवसेना के हृदय से करुणा फूट रही है। वह संसार से निवेदन करती है कि वह अब अपनी धरोहर को वापस ले ले, अब यह उससे संभाली नहीं जाएगी। मैंने अपने जीवन में मन की लाज तक गवा दिया है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की आशाएं लगाए रहता है कि वह यह करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, परंतु उसे कुछ नहीं हो पाता। उसकी अधिकांश महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह जाती है अथवा पूरी नहीं हो पाती है। वह बार बार आशा पूरी ना होने पर भी आशा लगाकर बैठा रहता है कि अब नहीं तो कल उसकी आशा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार निरंतर आशा के सहारे जीना देखकर भी कवि ने आशा को बावली कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण है? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो गया था। वे अपने भाई के सपने को पूरा करना चाहती थी। स्कंदगुप्त की शरण में जाती है, वे उससे प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते हैं, इसलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिली है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे पढ़ने निवेदन करता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार दोनों ही बार उसके प्रेम में निराशा ही हाथ लगी है। धन्यवाद।